तो दोस्तों, अगर आप भी एक नए यूट्यूबर हैं तो आपके लिए 4000 घंटे का वॉच टाइम यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप यूट्यूब से अर्न करना चाहते हैं तो आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर यहाँ होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, लेकिन क्या होता है, 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है ये काफ़ी बड़ा होता है, जिस कारण बहुत से लोगों को ये कम्प्लीट करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो इस फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह, कुछ टिप्स दूंगा कि किस तरह से आप 4000 घंटे का वॉच टाइम 10 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस टिप्स को अगर आप अपनाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 10-15 दिन में ही अपने 4000 घंटे का वॉच टाइम यहां इंक्रीज अप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और इस वीडियो में आपको उसका भी नाम बताऊंगा जिन्होंने हमें पिछले वीडियो में फर्स्ट कमेंट किया था। अगर आप भी कमेंट करेंगे तो फर्स्ट कमेंट, तो अगली वीडियो में आपका भी नाम यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए आपको व्यूज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर अगर आप 10 ही व्यूज़ लाएँ तो भी आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं 4000 घंटे का वॉच टाइम। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपको उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। मतलब अब आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि मैं वीडियो बहुत लंबी बना दूंगा जिससे कुछ ही व्यूज़ मेरे बहुत सारे व्यूज़ आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपका ये सोचना बहुत ही गलत है। ऐसा आप वीडियो लंबी बनाएंगे तो आपकी वीडियो कोई नहीं देखेगा। आप छोटी वीडियो बनाइए, जो भी आप टॉपिक, अपने जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं सिर्फ उसी पे वहाँ पर ये कीजिए, ताकि लोग आपकी वीडियो को पूरा देखें। नहीं तो अगर आप वीडियो में बार बार कुछ अलग डिफरेंट टाइप की बताने लगेंगे तो लोग आपकी वीडियो को नहीं देखेंगे, आपकी वीडियो को स्किप कर देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ जो आप जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं सिर्फ उसी टॉपिक पर आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, उसी टॉपिक पर बताना पड़ेगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको नहीं बताना। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, 10 ही व्यूज़ अगर आपकी वीडियोज़ पर आएंगे तो वो 10 लोग 100% आपकी वीडियो को देखेंगे, इससे आपको वॉच टाइम इंक्रीज़ होगा। अगर आप 10 या 1 घंटे की वीडियो बना देंगे तो कोई भी आपका एक भी व्यू नहीं आएगा, और साथ ही साथ आपका वॉच टाइम यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा। तो इस तरह आप वीडियो को वायरल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप वीडियो लंबी ना बनाएं, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएं, लोगों साउंड क्वालिटी अपनी इम्प्रूव करें ताकि लोग आपकी वीडियो को समझें। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर लेते हैं मेरा। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 22 दिनों में अपने 4000 घंटे का वॉच टाइम यहाँ कंप्लीट कर लिया था। भले उस समय मेरे सब्सक्राइबर यहाँ पर 1000 नहीं हुए थे, और जब मैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहा था उस समय मेरे वॉच टाइम करीबन 10000 घंटे के आसपास था, और मेरे 1200 सब्सक्राइबर उस समय हो चुके थे, और 10000 घंटे का वॉच टाइम मेरा वहाँ पर कंप्लीट होने वाला था। तो फ्रेंड्स, मैंने भी यही किया था। मैंने वीडियो जितनी भी अपलोड की थी छोटी वीडियो ही बनाई और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की, जिससे लोग मेरी वीडियो को देखे, मेरा वॉच टाइम इंक्रीज हुआ और मेरे वीडियो से व्यूज़ भी आने लगे और सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे। तो आपको भी यही करना है, वीडियो छोटी ही बनाइए और काम की चीज़ उसमें डालिए ताकि लोग आपकी वीडियो को देखें। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। और बाकी जो पिछले वीडियो में जो लास्ट कमेंट, फर्स्ट कमेंट किया था, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, लास्ट फर्स्ट कमेंट किया था पिछली वीडियो में खलीफ कफी लिंगोरा ने, और इस बार देखते हैं कौन हमारे वीडियो में फर्स्ट कमेंट करता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।